भाइयों, मैं आपका दोस्त संदीप कुमार स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल जी फार्मिंग पर। आज हम पहुंचे गांव दड़बी के अंदर। तो जो हमारे इस गांव के किसान भाई है केवल कृष्ण, जिन्होंने अंजीर का बाग लगा रखा है, तो चलिए इनसे बात करते हैं। सर जी नमस्कार, हमारे YouTube चैनल पर नमस्कार। तो सर, ये बाग की खेती आप कब से कर रहे हैं? ये पिछले साल ही शुरू की थी, दिसंबर में पौधे लगाए थे इसके। जी, और ये कौन सी वैरायटी है सर? ये इसको येलो फिग के नाम से बुलाते हैं। अच्छा सर, ठीक है जी। तो सर, ये जो पौधे है आप, इसके अंदर जो एक एकड़ के अंदर कितने लागत है इसकी, पौधे की जो कितने लग जाते हैं इसके अंदर? ये 10x10 पे लगा रखा है पौधा जी, और ये 400 पौधे इसमें आए हैं एक एकड़ में। अच्छा जी, तो इसके अंदर सर आपने जो खेत को तैयार किया था शुरू से, तो उसके अंदर जो खड्डे खोदे थे उसके अंदर कौन कौन सी खाद डाली थी या कौन सी दवाई इसके अंदर डालनी जाती है? ये खड्डे खोद कर 3x3 का खड्डा पहले खोदा था जी, उसके बाद गोबर खाद मिला करके जी, और उसको ये बलुआ मिट्टी गोबर खाद और ये जो इसके खेत की मिट्टी है जी जी, इन तीनों बराबर भाग में बना करके खड्डे बंद भर के उसके ऊपर फिर पौधा लगाया था। ठीक है जी। तो इसके अंदर सर जो आप पानी देते हैं, इसके अंदर नहर की पानी की जरूरत ज़्यादा पड़ती है या जैसे ट्यूबवेल का भी चल जाता है इसके अंदर? हाँ, वैसे तो नहर का पानी जहाँ लगता है उसकी तो हम कर ही नहीं सकते ना, वो तो नहर का पानी तो नहर का ही होता है जी जी, लेकिन फिर भी ये 300 TDS पे भी ये बाग कामयाब हो जाता है। अच्छा सर, अगर ट्यूबवेल का पानी भी लगे तो 300 TDS पर भी ये सही कामयाब हो जाएगा जी। तो ये सर, इसकी मिट्टी के बारे में थोड़ा बहुत और बता देते भी, कौन सी मिट्टी के अंदर ज़्यादा कामयाब है ये? जो ये यहाँ पे तो देख रहा हूँ मैं, पक्की ज़मीन है, जैसे कई जगह रेतली ज़मीन होती है, तो वहाँ पे किसान लगाने की सोचते हैं, तो उन किसान भाइयों को आप क्या कहना चाहोगे? ये वैसे तो ये पक्की ज़मीन में थोड़ा सा इसमें फंगस की दिक्कत ज़्यादा आती है, लेकिन अगर बलुआ मिट्टी जो अपनी रेतली होती है वो अगर नहर के पानी पे हो तो उस पर और भी इससे अच्छा होता है। अच्छा सर, तो मतलब ये है कि ये रेतली के अंदर भी कामयाब है? पूरा कामयाब है जी, रेतली मिट्टी पे भी पूरा कामयाब है, बलुआ मिट्टी पे थोड़ा सा इसके मिट्टी चढ़ा के रखनी पड़ती है ये पक्की मिट्टी के ऊपर जी जी, अगर मिट्टी ना लगाए इसके तनों में पानी नहीं लगना चाहिए जी जी, फिर ये पूरा कामयाब है पक्की मिट्टी में भी। अच्छा सर, तो इसके अंदर सर जब पौधा जब तैयार हो जाता है तो इसके अंदर खाद और स्प्रे का जैसे कोई बीमारी होगी, इसके अंदर कोई खास बीमारी आती होगी या उस बीमारी की रोकथाम के लिए कोई स्प्रे वगैरह या खाद वगैरह डालते होंगे, वो कौन कौन से डालते हैं आप? ये इसके अंदर सारी बायो में है, जो भी खाद स्प्रे करते हैं सुडोमोनास ट्राइकोड्रामा, बाकी इसकी थोड़ी सी फंगस की आती है प्रॉब्लम जी, बाकी और इसको कोई बीमारी नहीं आती। अच्छा, इसको और कोई बीमारी फंगस के अलावा और कोई ज्यादा नहीं? वैसे नहीं है। हाँ जी, कोई भी। तो ये सर जो ये पौधा है ये कितने साल बाद है जो ये फल देना तैयार कर देता है? ये फल तो वैसे तो जो मार्केट के लिए फल लेकर जाना है जी वो 18 महीने के बाद ही जाएगा जी, दूसरी बाकी ये फल 1 महीने के अंदर ही, सॉरी 1 साल के अंदर अंदर ये फल आना शुरू हो जाता है इसका। ठीक है जी। तो ये साल के अंदर सर कितनी बार फल देता है ये पौधा? ये साल में एक बार ही फल देता है, लेकिन फल जो है ना 3 महीने देता रहेगा लगातार। अच्छा सर। जैसे ये नीचे से ये ऊपर से ये लग भी रहा है जी, और नीचे ये पकना भी शुरू हो जाता है, जैसे ये पौधे पक भी रहा है ऊपर लग भी रहे हैं जी जी, ये 3 महीने और 4 महीने के लगभग लगातार चलता रहता है जी। तो इसकी सर जो पौधे की कटिंग वगैरह है वो भी आप करते होंगे, साल के अंदर कितनी बार करनी पड़ती है इसकी? साल के अंदर एक बार ही साल में इसकी कटिंग होगी जी, जैसे दिसंबर में जब पतझड़ का महीना आएगा जी जी, उस वक्त सारे पत्ते झड़ जाएंगे, उसके बाद इसकी कटिंग हो जाएगी और बिल्कुल सारे को एक बार कटिंग हो जाएगी, कोई इसकी टहनी नहीं छोड़नी है जी। तो इसका कटिंग के लिए थोड़ा कुछ ध्यान रखना होगा, जैसे रखना होता होगा भी किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कटिंग के अंदर भी, कटिंग कैसे करनी चाहिए थोड़ा बहुत बताएंगे आप किसान भाइयों को? हाँ, कटिंग एक तो इसकी मान लो जमीन से लगभग 1.5 फुट के ऊपर रख के इसको कटिंग करनी होती है जी जी, और उसके बाद जब ये नीचे से फूट करेगा जी जी, तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 3 या 4 ही अपने शाखाएं छोड़नी है, बाकी सारी को तोड़ देना है। अच्छा अच्छा सर। ज़्यादा शाखाएं इसके ऊपर अगर हम ले जाएंगे जी तो जी, ये ज़्यादा अपने आपस में भिड़ जाएगा और उसमें ज़्यादा इसमें बीमारियाँ आएंगी। ठीक है सर। तो ये फल सर ये जो आपका जो फल है पककर तैयार हो गया, तो इसकी मार्केट वगैरह आप मंडी के अंदर लेके जाते हो या कहीं और? नहीं, मंडी
हमारा कंपनी के साथ कॉन्टैक्ट है जी, और वो कंपनी यहाँ से अपने आप लेकर जाती है और जयपुर में वो माल हमारे जाता है, सप्लाई होता है कंपनी के साथ। हमारा 300 रुपए के हिसाब से हमारा कॉन्ट्रैक्ट है जी। तो इसके अंदर सर आमदनी की बात करें तो एक एकड़ के अंदर कितनी आमदनी हो जाती है सर? देखो आमदनी की तो आगे किस्मत की बात होती है जी। जितनी कोई मेहनत करेगा उस हिसाब से उसको आमदनी हो जाएगी जी। बाकी लगभग एक पौधा जो है 5 किलो से लेकर के जी, और लास्ट मान लो आने वाले सालों तक 25 किलो तक जा सकता है। जैसे जैसे वो पौधे की बढ़वार होगी वैसे वैसे ये बढ़ता जाएगा जी, जी। आगे किस्मत की बात होती है जितने भी हो। जैसे जैसे पौधा बड़ा होगा भी 5 किलो से लेकर 20 किलो तक, हाँ जी 25 किलो तक पौधा पहुंच जाता है, पहुंच जाएगा जी। तो इसके अंदर आपके हिसाब से कितनी आमदनी हो जाती है सर एक एकड़ के अंदर? जैसे बाग है वो फुल तैयार हो गया, जैसे 20-25 किलो एक पौधा जो फल देना तैयार कर देता है शुरू, तो उसी हिसाब से आप आमदनी क्या मान के चलते हो एक एकड़ के अंदर? आमदनी का हमारे कंपनी साथ जैसे कॉन्ट्रैक्ट है ना जी, जैसे 300 रुपए तक कॉन्ट्रैक्ट है, वो इसके 5 किलो फल तक है कॉन्ट्रैक्ट है जी जी। मान लो 5 किलो से फालतू फल जाता है तो उसका अलग रेट है जी जी। तो 5 किलो तक भी अगर ये एक पौधा दे तो 6 लाख की इसकी बेनिफिट आ सकता है। तो कंपनी के साथ आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है सर वो किस किस चीज के लिए, जैसे उन्होंने आपको पौधे दिए तो पौधे का खर्च उन्होंने दिया या नहीं? एक बार तो जब हमने इसकी बुकिंग करवाई थी जी, तो आधे पैसे तो उन्होंने उस वक्त ले लिए थे जी, और आधे पैसे जब हमारे पास उन्होंने हमारे को ये दे दिया था, अपने पौधे हमारे को दे दिए थे जी जी, 1,30,000 रुपए हमने सारे उनके पे करके और उसके बाद उन्होंने हमारे पौधे दिए। और तो ये कंपनी के साथ जो टाई अप है सर ये कितने साल का है आपका? ये 10 साल के लिए टाई अप हमने किया है जी, और उसके बाद फिर आगे नया टाई अप होगा हमारे साथ। अच्छा सर, तो उसके बाद चाहे आप कंपनी के साथ रखना चाहो या ना रखना चाहो वो आपकी मर्जी? हाँ जी, ये हमारी मर्जी है, अगर हमें लगे भी मार्केट अच्छी है जी जी, तो हम कंपनी से बगैर भी बेच सकते हैं जी जी, ये कंपनी के साथ भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ये किसान की मर्जी है जी। धन्यवाद सर। ठीक है सर।